ग्वालियर में सनकी शख्स ने बिजली वसूली करने गए जेई और लाइनमैन पर बंदूक तान दी, जिसके बाद मौके से दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। बताया जा रहा है कि इससे पहले आरोपी ने दोनों का कॉलर पकड़कर खूब डरा धमकाया भी था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के बंदूक का निरस्तीकरण की रिपोर्ट डीएम को भेज दी है। इधर रिपोर्ट के बाद से आरोपी रामबाबू फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही है। क्या जी, बिजली विभाग के द्वारा जो है अपना डिस्कनेक्शन एवं वसूली अभियान चलाया जा रहा था, उसके क्रम में एक व्यक्ति द्वारा जो अपना शस्त्र लगा करके जेई को जो संबंधित जेई है उसको धमकाया गया, तो इस क्रम में संबंधित थाने पे FIR भी दर्ज करा ली गई है और शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो वर्तमान है। मैडम, जो आरोपी है उसे कितने उसके लाइसेंस असले कितने थे उसके पास? उसमें एक बार जांच कर ली जाएगी और जितने भी उसके शक होंगे सारे मिला सकते। किस थाने का मामला था ये? थाना नगरा का। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। संजय, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि क्या इस शख्स की अब तक गिरफ्तारी हो पाई है? ये बता दें कि नगरा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ बिजली विभाग की टीम गई थी और अब बिल वसूलने के लिए, लेकिन वहाँ से जो ये बिरादरी है और जो सुनार जाति की जो बिरादरी है यहाँ गई थी और यहाँ पे जो है अपना रिवाज और चाहिए अपने बंदूक निकाली और एक के तो प्रसार किया जा रहा है। वहाँ से वहाँ पे का एक वीडियो जो वायरल हो रही है, पूरी तस्वीर में बंदूक चलते हुए है और जहाँ पे ये दिखा गया कि अभी जिला अधिकारी ने अभी साफ किया है कि उनकी जो बंदूक का जो लाइसेंस है उसको निरस्त किया जाएगा और उनके ऊपर आधिकारिक तौर पे कार्रवाई की जाएगी। जी संजय, इस पूरे मामले में ऐसा होता क्या है कि अचानक से ये सुनार जो शख्स है ये अधिकारी पर बंदूक तान देता है, अचानक से ये इतना भड़क क्यों जाता है? ये देखिए बात की है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं तो सामने आ रही है कि यहाँ पे लोगों को के पास जो संजय, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर बलिया से सामने आ रही है, जहां पर अधिकारी जो है वो बिजली की वसूली के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पे ये शख्स उन पर बंदूक तान देता है। फिलहाल के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़ते खबरों में आगे।